रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कल जो हमने वीडियो दिया था तो कुछ साथी उसके समझ में नहीं आ रहा था, तो इसलिए आज हम उर्दू में उसके जो है तर्जुमा कर रहे हैं। हम मौलाना साहब से ये पूछ रहे थे कि ये जो आपने किया 3 दिन, ये इज्तिमा था या सियासी जलसा था? इनका नाम जो है इन लोगों ने इज्तिमा रखा कि ये इज्तिमा है, तो इज्तिमा का मकसद तो कुछ और होता है, और ना इज्तिमा में झंडे होते हैं ना जो है हार जीत के नारे लगते हैं। इज्तिमा में तो ये गम फिक्र होती है कि सारी इंसानियत जहन्नम से बच जाए, जन्नत में जाने वाले बन जाए, और सारे मुसलमान 5 वक्त के नमाजी बन जाए। और कल आपने भी देखी होगी, सारी दुनिया ने देखी, वो फेसबुक पे वीडियो मौजूद है कि इज्तिमा के अंदर उसने पादरियों को भी तकरीर दी, शियों को भी तकरीर दी, और उनके साथ जो है हाथ भी और नारेबाजी भी एक साथ की। तो हमारे समझ से बाहर है कि मौलाना साहब कौन सा सियासत खेल रहे, और ये हर किसी को एजेंट बोल रहे कि ये यूरोप का एजेंट है, ये अमेरिका का एजेंट है। तो मेरे ख्याल से और सारे पाकिस्तानियों को यही लगता होगा कि मौलाना साहब से बड़ा एजेंट कोई नहीं। सलीब जगह बारह के।